जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्यारा ने जहर पी लिया। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, खड़े कहाँ है वहां पर? क्यारा, 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 हाँ तो यहाँ से। इडियट, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी तुम? उठो यहाँ से और वहां पे खड़ी रहो। कियारा, आंखें खोलो बेटा। खबरदार, एक और कदम बढ़ाया तो पीछे हट जाओ, अभी के अभी। मनहूस हो तुम, जब से हमारे घर पे आई हो परेशानियां ही लाई हो। तुम्हारी वजह से कियारा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अब तो अपना नाटक बंद करो। स्टॉप इट, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। कियारा की जान खतरे में है और इन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। प्लीज हटिए सब। उफ, राजमाता, कियारा के पेरेंट्स को फोन कीजिए ना, हम अभी करते हैं। माता रानी, राजकुमारी जी की तो कोई गलती भी ना है, वो तो टूट गई थी ना अंदर से, इसीलिए कदम उठा ली। आपको उनकी रक्षा करनी पड़ी। हाँ माता रानी, क्या गलती है कि उनका रिश्ता हमारे कारण टूट गया है? आपको आपको उनके अंदर से जहर निकालना ही होगा। अब चाहे तो सजा हमको दे दे, पर राजकुमारी जी को बचा लीजिए। कियारा, मेरी बच्ची, कियारा, बचा के खोल, कियारा, बेटा, मिल गई तसल्ली तुम्हें? ये सब तुम्हारी और उस लड़की की गलती की सजा है जो मेरी बच्ची भुगत रही है। इतना याद रखना, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया ना, तो मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मुझे जो सजा देनी है आप बाद में दे लीजिए, लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी में से जहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। थैंक यू।
संभालो खुद को नंदिनी, सब ठीक हो जाएगा। लग तो नहीं रहा है। कियारा मेरी भाभी नहीं बनी, लेकिन वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। मुझे कितना बुरा लगता है उसके लिए, और यकीन नहीं होता है कि मेरा अपना खुद का भाई। वीर नहीं, इस सब के पीछे वो गंवार रानी है। ये नौकर होते ही ऐसे हैं, कभी किसी के सके नहीं, इन्हें सिर्फ अपना मतलब दिखता है। उसी ने वीर को बहला फुसला के फंसाया है। पिक्चर चल रही है यहाँ, देख रही है नंदिनी जी कितना परेशान है। ले पानी लाइन के लिए। जी। सबके सब कहते हैं, सारे नौकरों को फायर कर दो, पूरी टीम नहीं लाओ। रो मत, कियारा को कुछ नहीं होगा, वीर है ना उसके लिए, और तुम्हारे लिए मैं। डोंट वरी बेबी। थैंक यू। कियारा को होश आ गया। कियारा, कियारा बेटा ठीक तो हो ना बेटा? पागल हो गई हो? ऐसा नहीं करते बेटा, हम कितना डर गए थे। I'm really sorry, mom. मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ मेरी गलती है, लेकिन आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कियारा। सुसाइड करने के बाद इंसान तो चला जाता है, लेकिन अपनों के लिए इतना दर्द छोड़ जाते हैं जिससे वो कभी उभर नहीं पाते। मुझे से वीर तो बहुत मिलेंगे कियारा आपको, लेकिन इतना प्यार, इतना ध्यान रखने वाले माँ और बाप, वो तो एक ही है ना। अरे तो क्या हुआ, रात के 2 बजे हैं, तो क्या हम तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकते? तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, हम तुम्हारी भूख का ध्यान रखेंगे। जिंदगी में कांटे तो आते रहेंगे बिटिया, चुनाव तुझे करना है। हंसते हुए उसके ऊपर से उछल के चलना है, या रोते हुए उन पर चलकर। ये भाषण देने से आपको माफी नहीं मिलेगी। आज कियारा की जो हालत है। नो मॉम, इसकी वजह मैं खुद हूं। बेटा तुम सही तो है ना मॉम? मैंने ओवर रिएक्ट किया था, वीर ने तो मेरी जान बचाई है मॉम, पर मैंने किसी से बात कर ली होती और अपने मन की बात बता दी होती तो शायद मैंने ये स्टेप लिया ही नहीं होता मॉम। प्लीज वीर को कुछ मत बोलिए। यार तो बात करो ना, तुम और ब्रो बिल्कुल एक जैसे हो ना, ये किसी से बात करते ना तुम। देखो जो हुआ है उससे कोई खुश नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब अपने मन में बातें दबा के रखें। यू आर राइट विक्रम, शादी नहीं हुई पर दोस्त तो रह सकते हैं। रह सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आपको प्रॉमिस करना होगा कि ऐसी हरकत आप कभी नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। मासा आप सॉरी, वो एक्चुअली मैंने सोचा था कि शादी के बाद आपको मासा ही बुलाऊंगी, तो उसकी आदत डालने की कोशिश। कियारा, तुम हमेशा हमें मासा बुलाओगी, हक है तुम्हारा हम पे। भले रिश्ते से नहीं, लेकिन जितनी जगह हमारे दिल में तब थी तुम्हारे लिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।